हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड हो रही हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड कराई थी आप लोगों को M2R5 की मैराथन क्लास, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की मैराथन क्लास नहीं देखी है, कल मैंने रात के 8 बजे अपलोड की थी, वो आप लोग देख लीजिए। और आज दोपहर में आप लोगों को 2 बजे मैंने M2R5 की एक और क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर आप हमें वेब डिजाइनिंग के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए, वेब डिजाइनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करा दीजिए। तो उन्हीं की डिमांड को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए वेब डिजाइन की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की वेब डिजाइनिंग के लिए, उसी के साथ साथ पाइथन की भी आपकी जा रही है सीरीज, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ आज टॉप 30 पाइथन के MCQ। हम लोग ऑलरेडी पाइथन के अपने कम से कम 1500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 1500 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। और आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी आप लोगों को मात्र आप लोगों के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, जो लोग भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को तैयारी कहाँ से करनी है। आप लोगों को यूट्यूब पर आना है, और यूट्यूब पर आने के बाद आप लोगों को सर्च करना है ओ लेवल गुरुजी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। चैनल पर आप लोगों को क्लिक करना है ओ लेवल गुरुजी पर। जैसे ही आप लोग ओ लेवल गुरुजी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट पर आना है। आप लोगों को पाइथन की तैयारी करनी है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तैयारी करनी है, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बना दी है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करके देखना है। जैसे कि अगर आप लोगों को पाइथन की तैयारी करनी है तो ये देखिए 27 वीडियो इसमें अवेलेबल है, मतलब कि आप लोगों को पाइथन के 27 वीडियो मिल गए। 27 वीडियो में आप लोगों को 1500 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, और डे 1 से लेकर डे 27 तक के सारे वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट से आप लोग पाइथन देख सकते हैं। आप लोगों को M4R5 की तैयारी करनी है, यहाँ पर हमने M4R5 की भी वीडियो अपलोड दिए। M4R5 के लिए हमने लगभग आपको 800 से 900 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, आप यहां से देख सकते हैं। और जो हमारी आज से नई सीरीज स्टार्ट हुई है, वो आपको M2R5 MCQ 2023 में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो डेली हमारी क्लासेस अपलोड हो रही हैं लगातार आप लोगों के लिए, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अपने टॉप 30 MCQ। तो जो लोग भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और डेली अपडेट यहां पर होने वाला है, ठीक है। पाइथन की क्लास आप लोगों को 7 बजे मिलेगी, और M4R5 की क्लासेस आप लोगों को 8 बजे मिलेगी। और अभी जो M2R5 है, उसकी क्लास आज 2 बजे अपलोड हुई थी, तो 2 बजे ही M2R5 की क्लास कल जरूर हमारी जो अपलोड की गई थी, वो हमने रात के 8 बजे अपलोड की गई थी, लेकिन अभी टाइम उसका सेट नहीं हो रहा है, तो वो 2 बजे आप लोग को अपलोड होकर मिलेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डेटा टाइप इज म्यूटेबल इन पाइथन, ठीक है। पाइथन में कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल की बात हो रही है, म्यूटेबल मतलब क्या होता है, यहाँ पर चेंजेबल होता है। तो कौन सा हमारा चेंजेबल डेटा टाइप रहेगा, जिसमें इम्यूटेबल क्या होता है, जिसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे। म्यूटेबल क्या होता है, जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या होता है हमारा लिस्ट डेटा टाइप कहलाता है, ठीक है। म्यूटेबल इम्यूटेबल, ठीक है। अगर इम्यूटेबल पूछते तो हम लोग यहाँ पे टपल लगाते। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन, किसका यूज करते हैं, हैश सिंबल का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट में। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन, ठीक है। तो पाइथन में कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, तो देखिए 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं होता है, ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, अंडरस्कोर वेर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हमारा अंडरस्कोर अलाउ है। नेक्स्ट, हाउ डू यू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन, पाइथन में आप एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, तो कैसे क्रिएट करेंगे आप एम्प्टी लिस्ट, मतलब वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट दिस, ठीक है। तो सिंपल से हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर 3 + 7 × 2 किया हुआ है, तो पूछता है इसका आपका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 × 2 आपका हो जाएगा। अगर सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, मैं आपको खुद एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ, जिससे आपके सामने इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट लगाया, एंटर किया, आंसर कितना है आपका 17, इसमें आंसर आया, तो आंसर इसमें 17 बिल्कुल सही रहेगा। तो 5 का जो रहेगा बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू चेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कैसे चेक करते हैं हम लोग किसी भी चीज की लेंथ, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो टपल हो, सभी की लेंथ हम लोग लेंथ फंक्शन से चेक करते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द करेक्ट वे टू ओपन द फाइल data.txt फॉर रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के लिए data.txt को आप लोग कैसे ओपन करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे ओपन करेंगे, फाइल हैंडल इक्वल टू ओपन फंक्शन, फाइल नेम और रीड आर, आर मोड हमारा रीड मोड होता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन हेलो +2। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका डबल कोट्स होता तो ये हेलो 2 आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आपका स्ट्रिंग है और एक आपका इंट है, तो यहाँ पर जो एरर जनरेट होगी, वो एरर हमारी क्या होती है, यहाँ पर टाइप एरर यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें हमारा क्या आएगा, टाइप एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन, पाइथन में डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डज द रेंज फंक्शन रिटर्न, अब वो पूछ रहे हैं कि रेंज फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करता है। तो रेंज फंक्शन के सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो आपको पता है 0 से चलता है, 0 और 1, 2 एक कम ही चलेगा, तो हमारा क्या रिटर्न करेगा, इस तरह से हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ डू यू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट नेम्ड माई अंडरस्कोर लिस्ट, कैसे आप रिमूव करोगे, ये हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी लिस्ट में क्या है आपका
किसी आइटम को रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट डॉट डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, पीओपी करेंगे, तो क्या होगा इसमें हमारा 11th क्वेश्चन है बी वाला, लिस्ट डॉट रिमूव से भी होता है और वैसे हम लोग पीओपी से भी कर सकते हैं। ये सारे मेथड मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी कराए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट कॉलन कॉलन माइनस वन, पूछना है इसका आपका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में आएगा, तो रिवर्स में आपको क्या आ जाएगा, इस तरह से आएगा एन ओ एच टी बाई पी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ है हमारे पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ पास स्टेटमेंट इन पाइथन, पाइथन में पास स्टेटमेंट का क्या पर्पस है। तो क्या होता है हमारा, इट डज नॉट, इट डज नथिंग एंड एक्ट एज अ प्लेस होल्डर, ठीक है, कुछ करता नहीं है लेकिन प्लेस होल्डर की तरह हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉड्यूल इज यूज फॉर वर्किंग विद द डेट एंड टाइम इन, किस मॉड्यूल को हम लोग वर्क करते हैं, तो डेट एंड टाइम मॉड्यूल को हम लोग वर्क करते हैं। तो आंसर रहेगा डेट एंड टाइम, बिल्कुल सही। हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग नंबर टू एन इंटीजर, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो जो आंसर रहेगा क्या होता है, इंट डॉट पार्स इंट नंबर स्ट्रिंग के द्वारा हम लोग ये कन्वर्ट करेंगे, जिसको हमने लिखा था नंबर स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस का हमारा, सॉरी एक्चुअली इसमें ये तो नहीं आएगा, स्ट्रिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 का जो स्ट्रिंग में रहेगा वो हमारा ए वाला सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या रहेगा हमारा इंट और इसके अंदर हम क्या करेंगे स्ट्रिंग पास करेंगे तभी तो नंबर में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा रहेगा ये वाला। तो 15 का ये बिल्कुल सही है। तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो मतलब 50% क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द हेलो कॉमा वर्ल्ड और स्प्लिट दिस, ठीक है। स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, कॉमा से, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा इसमें किस तरह से हो जाएगा आपका, इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, तो दो स्ट्रिंग आपकी अलग अलग इसमें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में आप फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ कीवर्ड होता है, फंक्शन नेम होता है पैरामीटर और कॉलन के द्वारा डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, विच लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस व्हाइल अ सर्टेन कंडीशन होल्ड ट्रू, ठीक है। तो किसका हम लोग यूज करते हैं, व्हाइल लूप का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो जो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप, लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का क्या पर्पस होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 90 नंबर का, क्या होता है, इट एंड द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट और दिस, ये देखिए फ्लो डिवीजन है, फ्लो डिवीजन क्या करता है, पॉइंट नहीं देता है और उसका पॉइंट हटा देता है, तो 20 का आंसर आप समझ गए होंगे, 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ डू यू चेक इफ अ एक्स इन अ लिस्ट नेम्ड माई अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। तो कैसे आप लोग इसको चेक करोगे ये पूछ रहा है, तो क्या होता है इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगा आपका, इफ एक्स इन माई लिस्ट, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बूल, और यहाँ पे दिया लिस्ट को हम ब्लैंक लिस्ट पास कर रहे हैं, तो पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट हमारा विच मेथड यूज टू एड एन आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है, कैसे किस मेथड के द्वारा हम लोग एंड में ऐड होता है, तो अपेंड मेथड क्या करता है आइटम को एंड में, आइटम बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, एंड में ऐड करता है लिस्ट के। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैश इनिट मेथड इन अ पाइथन क्लास, ठीक है। तो क्या पर्पस है इसका हमारा, इट डिफाइन द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो आगे की तरफ का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट नॉट ट्रू, वो पूछता है अगर हम इस तरह से लिखेंगे प्रिंट नॉट ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, मतलब यहाँ पे आंसर क्या, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स ही रहेगा, तो 25 का आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल नेम्ड मैथ, कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें पूछ रहा है 26 में, तो हम लोग कैसे इम्पोर्ट करते थे इसको, इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, इंक्लूड मैथ तो नहीं होता, क्या होता है इम्पोर्ट कीवर्ड के द्वारा हम लोग मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। क्लासेस देख लीजिए अगर आपको देखना हो तो, लाइब्रेरी फंक्शंस का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास माई क्लास, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे ये हमसे पूछा जाता है, इफ इज इंस्टेंस ओएफजी मतलब ओबीजी मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है ऑफ माई क्लास, तो आंसर होगा इफ इज इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट ही, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे ओबीजी मतलब उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे क्लास नेम के साथ या माई क्लास के साथ, तो यहाँ पे ये कैफिन है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट डू इन अ लूप, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे लूप में क्या करता है पूछा जाता है, तो क्या करता है स्किप करने का काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक करता है, ये हमारा स्किप करेगा, तो इट स्किप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 5 पे मेरा मैं लगा दूं कंटिन्यू, तो क्या हो जाएगा जब हम प्रिंट करें तो 1 2 3 4 तो प्रिंट होगा, फिर 5 हमारा स्किप हो जाएगा, 6 7 8 9 10 हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा 28 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 4
इंटू इंटू 0.5, ठीक है, ये आपका एक्स, आपको पता है ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या करेगा आपका पावर निकाल के देता है, तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो आपकी यहाँ पर पावर ये आएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको हम करते हैं चेक। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ एंटर किया तो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा 2.0, क्योंकि यहाँ पर 0.5 है, ये 0 हटेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 2.0, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू डिक्लेयर वेरिएबल इन पाइथन। देखिए ऐसे तो कर नहीं सकते हैं और ऐसे भी नहीं कर सकते हैं और ये भी तो बिल्कुल नहीं कर सकते, कंपेरिजन है, तो वैलिड भी क्या रहेगा आपका, पहला वाला बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो टॉप 30 क्वेश्चन हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन थे जो कि बहुत रिपीट होते हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो लाया था, ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। IoT की क्लासेस आपको कल मिल सकती है, क्योंकि कल आप लोगों क्या है, कल आप लोगों का संडे है, ठीक है, संडे स्पेशल क्लास में कल आप लोगों को IoT की मैराथन देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, रात के 8 बजे आप लोगों के लिए IoT की मैराथन, लगभग कल अगर हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना, अगर कल हमारे कम से कम हम कल 150 क्वेश्चन अपने कवर करेंगे IoT के, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन की क्लास आपकी IoT की आने वाली है, और हो सकता है पाइथन की भी आपको मैराथन मिल जाए, कल आपको 2 क्लास मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में लाया था, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।